वहीं ग्वालियर पुलिस ने अनजाने या घटनाओं में गुम हुए 501 मोबाइल फोन को उनके असली मालिक के धारकों तक पहुंचाया है। पिछले 3 महीने के दौरान क्राइम ब्रांच और साइबर सेल और कुछ जागरूक नागरिकों की मदद से एकत्रित किए गए मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। इनकी कीमत लगभग 1,21,00,000 रुपए बताई गई है। भीड़ में खोए मोबाइल महीनों बाद मिलने पर सैकड़ों लोगों के चेहरों पर सुकून देखने को मिला। कुछ लोग तो ऐसे थे जो मोबाइल चोरी होने के बाद अपने लिए दूसरा फोन तक नहीं खरीद पाए। देखिए, मोबाइल एक आज के समय में एक बहुत ही असेंशियल कमोडिटी हो गई है, जिसका यूज सभी करते हैं। और मोबाइल का गुमना, मोबाइल का खो जाना एक बड़ी आम समस्या है जिससे नागरिक गुजरता है। इससे पहले हमारे पुलिस विभाग के जो सिटीजन पोर्टल है उस पर भी सुविधा थी, और अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का जो पोर्टल है CEIR पोर्टल पर भी आप अपने मिसिंग मोबाइल की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उस पोर्टल की कई फैसिलिटीज़ हैं। एक फैसिलिटी ये भी है कि जब आप पुराना मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी IMEI को सर्च करके देख सकते हैं कि मोबाइल ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। इसके बाद जब आपका मोबाइल गुम जाता है या कहीं खो जाता है तो उस समय हमको ये करना चाहिए कि CEIR पोर्टल को डाउनलोड करके उसमें ज़रूरी जानकारी भरना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन चोरी गया है या गुम गया है या मिसिंग में है उसका ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसका उपयोग कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसमें जब भी कोई नई सिम उपयोग में लाई जाएगी तो उसका अलर्ट जनरेट होगा और अलर्ट पुलिस के पास आएगा। तो CEIR पोर्टल पुलिस से भी लिंक्ड है, और ये काफ़ी जो मोबाइल आप देख रहे हैं, टोटल 501 मोबाइल की रिकवरी, 1 करोड़ से ज़्यादा के मोबाइल हैं जो पिछली 1-2 वर्षों में चोरी गए हैं, इनकी रिकवरी में काफ़ी इस पोर्टल का योगदान है। इस पोर्टल का उपयोग करके पुलिस ने काफ़ी बरामद किए हैं। तो आम नागरिक इस पोर्टल के बारे में जागरूकता लाई जाए और इस पोर्टल का उपयोग करें, क्योंकि मोबाइल गुम जाना एक आम जनरल समस्या है। तो आज हमने जो 501 मोबाइल सीज किए, इसके कुछ उपभोक्ताओं को बुलाया है, उन उपभोक्ताओं को हम लोग ये मोबाइल उनको हैंडओवर कर रहे हैं। तो मोबाइल मिलने से वो काफ़ी प्रसन्न भी हैं, और एक उनको काफ़ी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर काफ़ी संतुष्टि भी जाहिर कर रहे हैं।